Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है जी तू ब्राइडल केयर के ऊपर। जिन लोगों की शादी होने वाली है और कुछ दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं, महीना रह गया है, ये रिजल्ट आप लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह देगी। इससे आप लोग स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, थोड़ी सी बेस लगेगी और आप लोग की स्किन बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, एक दिन एक मास्क लगाना है, दूसरे दिन दूसरा मास्क लगाना है और फेस मसाज दोनों मास्क के साथ करनी है। फिर देना है एक दिन का गैप, फिर अगेन एक मास्क फेस मसाज, फिर दूसरे दिन दूसरा मास्क और फिर फेस मसाज, फिर एक दिन का गैप देना है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आप लोग चाहते हैं, जरूरत है आप लोग को इस्तेमाल करते रहे शादी तक। शादी के बाद भी कर सकते हैं लेकिन शादी तक तो आप लोगों ने लाजमी करना है। चले जी, अब देखते हैं फेस मास्क बनते किस तरह है। हाँ जी, ये है जी मास्क नंबर 1 की चीजें। ये 3 चीजें हैं जिनको हम मिला के मास्क तैयार करेंगे जो कि कमाल रिजल्ट आएगा आप लोगों का, कमाल। अच्छा, सबसे पहले हमें चाहिए बादाम का पाउडर। मैंने घर बादाम लेके आई और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया। ये देखें जी, पाउडर रेडी है। उसके बाद हमें चाहिए फ्रेंच ग्रीन क्ले, जिसको सब्ज मिट्टी भी कहते हैं। ये मैं चिल्तन प्योर वाला की यूज कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोग ये लेना चाहें तो मेरे रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। चिल्तन प्योर वालों का ही बादाम का पाउडर है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था इसलिए मैंने घर बादाम ला के खुद पीस लिए। तीसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ये पानी, साफ सुथरा पानी, उबाल ले पानी या नेस्ले वगैरह का यूज कर लें, कोई भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, साफ सुथरा वो पानी यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जिन्होंने पंसार की दुकान से ये लेनी है ना, मैं उनकी कंफ्यूजन दूर कर दूं ताकि कोई भी पीछे ना रहे, हम सब मास्क ट्राई करें और सही रिजल्ट आए। हाँ जी, जब आप लोग पंसार की दुकान पर जाएंगे ना तो आप लोग को ये दे देंगे। अच्छा, ये सब्ज मिट्टी नहीं है, ये सब्ज मिट्टी है, हमने ये वाला पत्थर लेना है, ये रंग है सब्ज मिट्टी का, ये देखें, ठीक है, ये सब्ज मिट्टी नहीं है। ये आप लोग को पंसार की दुकान से भी इजीली मिल जाएगी, पत्थर भी मिल जाएगा, पिसवाना है आप उनसे पिसवा लीजिएगा, फिर घर आके मोटी छानी से छान लीजिएगा। अगर ये लेनी है तो ये भी ले सकते हैं, आप लोग की मर्जी है, जैसे आप लोग का दिल मानता है, बस मास्क उसे अप्लाई करना हुआ लाना हुआ। चले जी मास्क बनाते हैं। जितनी हमने क्वांटिटी इसकी लेनी है उतनी ही सेम हमने इसकी लेनी है। ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अच्छा, 1 टेबल स्पून हम लोगों ने लिया फ्रेंच क्ले, और मैंने इसके अंदर डाल के रख देना। चलिए इसको मिक्स करके मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और स्टोर कर लेना क्योंकि बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी इस तरह करके, इसके अंदर शामिल कर दिया। ये तकरीबन हमारे महीने का बन गया। अब हमने इसके अंदर एक चम्मच उठानी है और पानी में मिक्स करके लगा लिया करने। पहला मास्क तैयार, अब चलते हैं दूसरे मास्क की तरफ। हाँ जी, ये है जी मास्क नंबर 2, जो कि बहुत ही अच्छे, आप लोग को 3 दफा करने से इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए क्या है चीजें हैं जी, चावल का आटा चाहिए, हमें बाजार का चाहिए क्योंकि घर में इतना बारीक पीसा नहीं जाता ना, तो इसलिए थोड़े से हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने बाजार का चावल का आटा लिया। और हमें चाहिए मैदा और हमें चाहिए दूध ठंडा। अब इसको बनाना किस तरह है, अगर 1 चम्मच मैदा है तो 1 चम्मच चावल का आटा, अगर 3 चम्मच मैदा है तो 3 चम्मच चावल का आटा, इक्वल क्वांटिटी रखनी है। मैं दोनों की 3-3 चम्मच इस बाउल के अंदर डालती हूँ। हाँ जी, 3 चम्मच मैदा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है, अब बारी है 3 चम्मच चावल का आटा शामिल करने की इसमें। अब हमने दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस जार के अंदर शिफ्ट करते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, मास्क नंबर 2 भी हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसके अंदर जब चाहेंगे 1 चम्मच निकालेंगे, दूध डालेंगे और हमारा मास्क रेडी होगा। जार्स में मैंने इसलिए डाला है, शादी से पहले मैंने जार्स में इसलिए डाल लिया था ताकि मुझे मुश्किल ना हो कुछ करने में, मेरा मास्क लगाने का मूड हो ना, तो ये ना हो कि हाँ अब मैं बनाऊंगी करूंगी, ऑलरेडी जार्स में सूखा चीज बनी होगी, बस उसके अंदर पानी या दूध ऐड करेंगे और फटाफट मास्क लग जाता होता है। ये देखें जी, दोनों मास्क हमारे रेडी हो गए हैं। एक मास्क को हम पानी के साथ लगाएंगे, एक मास्क को हम दूध के साथ लगाएंगे। अगर दूध सूट नहीं करता तो आप लोग इसको भी पानी के साथ लगा सकते हैं। हाँ जी, चले जी, अब मास्क लगाने का टाइम आ गया है। हम लगाएंगे आधे मुंह पे एक मास्क और आधे मुंह पे दूसरा मास्क, क्योंकि तुझे स्किप भी करनी है वीडियो, मैं क्या छोटी बन जाएगी। अच्छा, सबसे पहले पहला मास्क लगाएंगे, पहला चम्मच लेंगे एक अपने मुँह के हिसाब से, बड़ा है तो भर के ले ले जिस तरह मैंने लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ मिक्स है। सिर्फ हमने मास्क निकालना है बॉटल से, पानी के अंदर मिक्स करना है। ये देखिए, पानी में थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करूँगी, ज़्यादा पतला नहीं करना। अच्छे सा मज़ेदार सा मास्क बनाना है, इसको हम मैं मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए, और ये हमारा आई कॉन्टेक्ट हुआ और अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैंने आधे मुँह पर अप्लाई कर लेना है। अच्छा, दूसरे मास्क उठाया, उसकी 1 चम्मच ली, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ मिक्स हुई हुई है इसलिए मैंने जार्स में डाल के रखा, बहुत आसानी रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे, दूध सूट नहीं करता तो आप लोग पानी डाल लें, पानी सूट नहीं करता तो रोज़ वाटर डाल लें, रोज़ वाटर भी सूट नहीं करता
तो तुसी मुँह धो लो खाली ठंडे पानी नाल। ये हम लोगों ने एक एक चम्मच डाल के हम इसको मिक्स करेंगे ताकि बहुत बारीक ना बन जाए, अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे और अप्लाई करेंगे। बल्कि आटे से आपकी ब्राइटनेस आएगी और जो दूसरे मास्क से आपकी ग्लो आएगी, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आएगी। ठीक है ये जी, अब हम दूसरे मुंह पे लगाएंगे, दूसरी साइड पे लगाएंगे। ये देखिए, काम कोशिश ट्राई करने की, सर्दी आ गई जी। अब मैं मुंह धो के वापस आती हूँ। ये ठंडे पानी से मैंने मुंह धोया, ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद थोड़ी सी बदरू बदरू जैसी लोग आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे या तो आप ऑरेंज वो यूज़ कर सकते हैं, विंटर सीरम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने बना लिया है। ठीक है, इसको अलग अलग होता है पानी और ऑयल, इसको शेक करते हैं, उसको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लगाते हैं। या तो मैं रिकमेंड इस दफ़ा करूँगी जोजोबा ऑयल, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और चिल्तन प्योर वालों का बहुत अच्छा है। ये मैंने 4 से 5 ड्रॉप्स लिए, लेकिन इस ऑयल का ध्यान ये रखना है कि ये आँखों में ना जाए, आँखें बहुत हैवी कर देते हैं, स्किन बहुत ग्लो कर देता है, इसीलिए स्किन पे तो हमने लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, आप लोग को कहीं से मिल जाएगा, पंसार की दुकान से भी जोजोबा ऑयल मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है।